अगर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि आपका नया शिक्षा सत्र जो है वो चालू हो गया है और 1 जुलाई से तो प्रॉपर क्लासेस भी आपकी लगने लगेंगी और आपका जो 9वीं 10वीं और 12वीं के एग्जाम फॉर्म है, एनरोलमेंट फॉर्म है, वो भरे जाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अपडेट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की तरफ से आ रहा है जो कि उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो कि गणित को कहीं ना कहीं अपनी समस्या मानते हैं, क्योंकि उनको जो गणित है वो उतना पसंद नहीं आता है लेकिन मजबूरी में उनको गणित पढ़ना पड़ता है। अब माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पर एक नई नीति लेके आया है जिसमें कि 9वीं और 10वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको गणित के 2 विकल्प दिए जाएंगे, एक होगा बेसिक मैथ्स और एक होगा स्टैंडर्ड मैथ्स। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स में अंतर क्या है कि बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 10वीं के बाद आगे आर्ट्स, कॉमर्स या कोई दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, वो मैथ्स को नहीं लेना चाहते, मतलब मैथ साइंस नहीं लेना चाहते, तो फिर उनको मैथ्स पढ़ने की जरूरत क्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो केवल मैथ साइंस ही लेना चाहते हैं, आगे इंजीनियरिंग या दूसरी लाइनों पर जाना चाहते हैं जहाँ पर मैथ्स बहुत ज़्यादा कंपलसरी बेस है और वहाँ पर मैथ्स डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मैथ्स को 2 भागों में बांट दिया गया है, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स। अब यहाँ पर इस साल जो हमारा शिक्षा सत्र चालू हो रहा है 2024 और 25 के लिए, यहाँ पर जब आप 9वीं का नामांकन यहाँ पर फाइल करेंगे तो यहाँ पर आपको 9वीं और 10वीं का इसी सत्र के लिए मैथ्स के 2 विकल्प आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 25-26 से ये योजना लागू की जाएगी, मतलब जब 2025 और 26 का शिक्षा सत्र चलेगा तब उनको इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर अंतर क्या है, जो लोग भी 11वीं 12वीं में मैथ साइंस नहीं लेना चाहते, मैथ्स वाले सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते, तो वो अभी 9वीं में जो है वो बेसिक मैथ्स को सिलेक्ट करेंगे और जो लोग आगे चल के 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में मैथ साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं वो स्टैंडर्ड मैथ्स को लेके यहाँ पर अपने फॉर्म भरेंगे। बेसिक जो मैथ होगी वो स्टैंडर्ड मैथ्स की तुलना में सरल होगी, उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा आसान होगा और इसका एक फायदा ये भी होगा कि जो लोग गणित में वीक हैं उनको सप्लीमेंट्री या फेल होने की संभावना भी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इस जानकारी को आप याद रखिएगा, जब आपका नया शिक्षा सत्र चालू हो और आप 9वीं 10वीं या 12वीं के नामांकन फॉर्म भरेंगे या एग्जाम फॉर्म भरेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप 9वीं के विद्यार्थी हैं तो 9वीं के विद्यार्थी याद रखें कि 9वीं के जो फॉर्म भरे जाते हैं वो पिछले साल से समग्र आईडी के बेस पे भरे जाते हैं, तो यदि आपके समग्र आईडी में जानकारी सही नहीं है, मतलब आपका नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर ये 4 जानकारी सही नहीं है तो आप समय रहते समग्र आईडी में सुधरवा लें या फिर अपना ईकेवाईसी करवा लें। बहुत सारी प्रॉब्लम तो आपकी केवल ईकेवाईसी कराने से ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन यदि माता पिता के नाम में कहीं पर त्रुटि है तो आपको समग्र आईडी अपने सचिव, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्राम पंचायत से सुधरवानी पड़ेगी और अगर आप नगर निगम सीमा में रहने वाले शहरी क्षेत्र के हैं तो आपको नगर निगम के जोन या वार्ड के ऑफिस से ये चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये चेंज नहीं कराएंगे, अगर आपकी समग्र आईडी में गलत डिटेल है, गलत स्पेलिंग है, गलत आपके माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, तो फिर आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो भी गलत भरे जाएंगे, इसलिए आप समय रहते समग्र आईडी में भी सुधार करा लें। वीडियो अपडेट अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो पब्लिश करते हैं तो उस वीडियो की जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे और वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।